आपको ग्वालियर में संपन्न हुई एक अनोखी शादी की तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें दुल्हन सज धज कर तैयार हुई, तमाम रस्में अदा की गई, बारात भी आई और जब लोगों ने दूल्हे को देखा तो हर कोई दंग रह गया। दंग इसलिए रह गया क्योंकि 23 साल की शिवानी ने भगवान श्री कृष्ण के साथ शादी रचाई। वो कृष्ण के प्रेम में ऐसी मगन हुई कि उन्हें अपना संपूर्ण जीवन साथी मान लिया। शादी की सारी रस्में हुई। दुल्हन ने अपनी जिंदगी के इस सबसे हसीन लम्हे की हर रस्म अदा की। खुशी के इस अवसर पर कई मेहमान भी शरीक हुए, धूमधाम से बारात आई। सभी को इंतजार दूल्हे का था, लेकिन जब दूल्हा आया तो हर कोई हैरानी से भर गया, क्योंकि दूल्हा और कोई नहीं, खुद लड्डू गोपाल दूल्हे के रूप में आए थे। ग्वालियर की रहने वाली 23 साल की शिवानी कृष्ण के प्रेम में ऐसी मगन हुई कि उन्हीं को अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। कृष्ण को अपना जीवन साथी चुनने का फैसला किया। शिवानी परिहार ने भगवान लड्डू गोपाल से शादी कर ली। मन में कैसे आया ये तो मैं भी नहीं समझ पाई, सब उनकी कृपा है और आज हो रही है। ये मेरे सपना था गोपाल जी से शादी करना, मेरे सपनों में आता था और आज मेरा सपना सच हो रहा है। मुझे मेरा जीवन किसी और को नहीं सौंपना है, उनका है, उनका दिया हुआ है, तो मैं सोचती हूँ कि किसी और को सौंपने से अच्छा है पूरा उनको समर्पित कर दो और भक्ति में कोई बाधा ना आए, इसलिए मुझे किसी तीसरे के घर नहीं जाना। 17 अप्रैल को धूमधाम से भगवान लड्डू गोपाल बारात लेकर शिवानी के घर पहुँचे। विवाह कार्यक्रम में हल्दी, तेल, मंडप, बारात आगमन और विदाई समारोह हुआ। शिवानी का विवाह ग्वालियर की कैंसर पहाड़ी स्थित शिव मंदिर में हुआ। विवाह उत्सव में शरीक हुए 250 से ज्यादा लोग इस अनोखी शादी के गवाह बने। ग्वालियर की ब्रिज विहार कॉलोनी में रहने वाली शिवानी बचपन से ही भगवान कृष्ण की भक्त है। कृष्ण भक्ति में डूबी शिवानी कृष्ण गोपाल की एक पीतल की प्रतिमा हर पल अपने साथ रखती है। शिवानी ने जब अपने माता पिता से भगवान कृष्ण से शादी करने की जिद की तो माता पिता भी हंसी खुशी मान गए। ये थोड़ी बड़ी हुई ना तो कहती मैं कान्हा जी से शादी करूंगी। बड़ी हुई थोड़ी हमने ये तो पागलपंती करती है रहती, 2-3 साल के चलो कान्हा जी ले आओ। मैंने कहा हाँ मेरे तो छोटे से बैठे है ना, फिर 5 साल तो वो ले ही आई, जब से कहती बस मेरे कान्हा जी आ गए, मेरी वृंदावन ससुराल है, अब मैं इनसे ही शादी करूंगी। साल भर से कह रही है मैं उसकी सुनती नहीं, और जितने बार कहती मैं कह देती हाँ ठीक है मुझे फुर्सत नहीं, क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं देता वो है ना, वो वहां से करा के नहीं ले आई। फिर हमने की तो ठीक है अब तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी, पहले तो घर वाले थे थोड़े नाराज थे, अब वो इसलिए हो कि इतनी बड़ी जिंदगी है कैसे चले, इसलिए अच्छे के लिए अपना परिवार अच्छे के लिए होता है, नहीं माने फिर हमने ठीक है अच्छी बात हम तो खुश हैं। कान्हा की भक्ति के बाद अनोखी भक्ति की ये दूसरी तस्वीर राम भक्ति की है। रामनवमी के शुभ अवसर पर राम मंदिर के पुजारी ने 35,000 चावल के दानों पर श्री राम लिखकर अपनी भक्ति प्रदर्शित की। भक्ति की ये तस्वीर तेलंगाना के जोगुलम्बा गढ़वाल जिले से आई है, जहां एक गांव के पुजारी ने श्री राम के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हुए ये कमाल कर दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।